एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शाला वन में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज जो हमारी बीपीएससी की सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं आपके गांधी ऊपर। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर सारे सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है और आपके क्वेश्चन में से एग्ज़ाम में आपको एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए गांधी युग से सारे क्वेश्चंस देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है वीडियो को, चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बताऊं, आप वीडियो शेयर करिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह के बारे में सुना होगा आपने, क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? दांडी मार्च तो आपको पता है, ये नमक से रिलेटेड था। चंपारण, खेड़ा या अहमदाबाद? तो ये सारे ही आपके गुजरात में ही है, बट जो आपका चंपारण है यहाँ पर क्या जाएगा, सही उत्तर जाएगा। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह जो आपका स्टार्ट किया था वो कहाँ से? चंपारण से। चलिए अगला देखिए, अंग्रेज़ पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? ठीक, कौन अंग्रेज़ पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स, ठीक, पूछा गया है यहाँ पर किसके द्वारा गोली से मारा गया था। तो ऑप्शंस देखिए, बकुटेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह? तो आपका सही उत्तर किसके साथ जाएगा? तो किसके द्वारा मारा गया? तो आपका रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा। चलिए, बहुत सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में भी पूछा गया और लगभग ऑलमोस्ट ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि आपके जो ये सारे क्वेश्चन हैं ये लगभग सेम ही रहते हैं। नारा जो किसने नारा दिया ये वाला, तो इस टाइप से नारे के क्वेश्चन एग्जाम ज़रूर आते हैं। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था आपका? तो किसने दिया था आपका? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था किसका, जय हिंद का नारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान जो प्रस्ताव था वो स्वीकार किया था? किसने मुस्लिम लीग ने एक क्या पृथक राष्ट्र संकल्प, तो किस वर्ष में? 1907 में, 1922 में, 1931 में, 1940 में? तो चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा, उसका सही उत्तर जाएगा क्या, 1940 में। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा पर्व बलपूर्वक मिलाया गया? इसके सैनिक कार्रवाई द्वारा क्या किया गया, बलपूर्वक मिलाया गया 1947 के बाद? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला या मैसूर? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिएगा, तो आपका सही उत्तर किसके साथ, हैदराबाद ने क्या किया जो है भारत संघ में क्या किया, सैनिक कार्रवाई द्वारा पर बलपूर्वक क्या किया, मिलाया गया। चलिए किसको, हैदराबाद को। चलिए अगला देखिए, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है ये जो नारे हैं बहुत फेमस हैं। ठीक, तो ये आपको ज़बान पर रटे होने चाहिए सारी चीज़ें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस जी ने, अरविंद घोष, भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद जी ने? तो सभी का उत्तर आप सभी जानते होंगे, तो किसने बोला, सुभाष चंद्र बोस जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, तेज बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? कल जो मैंने आपको वीडियो जो आपकी डाली थी मैराथन GSDK की, वहाँ पर भी ये सारी उपाधि मैंने बताई थी। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी में वीडियो है लेकिन जो है फ्रेंड्स उसमें आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तेज बंधु की उपाधि जो है किसको दी गई है, B.R. अम्बेडकर जी को, चिदंबरम दास को, विपिन पाल को या रविन्द्रनाथ टैगोर जी को? किसको दी गई है आपकी, किसकी देशबंधु की उपाधि, क्वेश्चन नंबर 7? तो आपका किसको, चिदंबरम C.R. दास को देशबंधु की उपाधि दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का देखिएगा, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन किसका, कांग्रेस का, जिसमें क्या पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है अपने आप में, पूर्ण स्वराज सुना होगा आप सभी ने जब आपने राष्ट्रीय आंदोलन जो है पढ़ा है। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? ठीक,
1929 में जो कांग्रेस का क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था, तो उसमें पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य था घोषित किया गया था वो कहाँ पर हुआ था? बम्बई, कलकत्ता, लाहौर या मद्रास? ठीक, तो आप सभी आंसर करेंगे क्या, कहाँ पर हुआ था आपका? लाहौर में। ठीक, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। चलिए अगला देखिएगा, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आंदोलन, ये आएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, यहाँ से बहुत काफ़ी क्वेश्चंस आपके बनेंगे। भारतीय राष्ट्रीय जो है का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया कांग्रेस ने? भारत छोड़ो जो आपका आंदोलन था उसका प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1940 में, 1941 में, 1946 में, 1942 में? तो किस में आपका किया था? 1942 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर टेन पर आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, क्या दिया? दिल्ली चलो का नारा दिया किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में नारा दिया, तो किस सन में दिया था ये बताना है आपको, 1942, 1943, 1940 या 1945? तो किस में दिया? 1943। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है उसको क्या करना है आपको? मिलान करना है, सुमेलित कीजिए सूची एक और सूची दो से, मैच द फॉलोइंग। चलिए तो आपका यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर अब्दुल गफर खां किससे संबंधित हैं आपके, इनको किस चीज़ किसकी क्या बोला जाता है? अब्दुल खान जफर को तो आपको क्या बोला जाता है? सीमांत गांधी। क्या बोला जाता है? सीमांत गांधी। सुभाष चंद्र बोस जी को क्या बोला जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को तो यहाँ पर क्या बोला जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप सभी ने सुना होगा। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी, ठीक, मोहनदास करमचंद गांधी को क्या बोला जाता है आपका? महात्मा गांधी। और रविन्द्रनाथ टैगोर को किसकी उपाधि दी गई? गुरुदेव की। तो आपका वन का क्या जाएगा? टू। वन का टू कहाँ पर है? दो ऑप्शन में है। फिर अगला देखिए, बी का सी, बी का थ्री, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए अब देखिए अगला देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 क्यों निलंबित किया गया? इसका कारण गांधी जी का अस्वस्थता के कारण, गांधी जी की अस्वस्थ होने के कारण, या हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद था, या नेतागणों के बीच क्या था? मतभेद था, या चौरी चौरा में क्या हिंसक घटना के कारण? तो उसका आप सभी जानते होंगे, इसका जो आप पढ़ लिया होगा, आपने रिवीजन चल रहा है, तो उसका कारण क्या था आपका? चौरी चौरा में हुई क्या हिंसक घटना के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, 1919 में क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? आप देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन तैयार होंगे, एक तो 1919 में आपका जलियांवाला बाग, ठीक, और ये पूछा है स्थान में आप कहाँ पर हुआ था, अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़ या कलकत्ता, कहाँ पर हुआ था? तो आपका कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में, जलियांवाला बाग। चलिए अलग देखिए, नमक सत्याग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये जितने हैं ना नमक सत्याग्रह और आंदोलन के सारे ही आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। चलिए नमक सत्याग्रह किस ईस्वी पूर्व में हुआ था ये आपसे पूछा गया है, 1930 में, 1932 में, 1928 में, 1931 में, ठीक, तो आपका किस वर्ष हुआ था? तो आपका नमक सत्याग्रह हुआ था किस वर्ष में? 1930 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देख क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, रीज़न वाइज पूछा है, बट आप यहाँ पर जो है इस तरह से क्वेश्चन से आपके आप रीज़न के साथ आपके दो तीन क्वेश्चन भी साथ ही साथ तैयार हो जाते हैं। तो चलिएगा, तो क्या कारण था इनको जो फांसी दी गई थी 1931 में? किसको? भगत सिंह को फांसी दी गई, गुरु, राजगुरु और सुखदेव, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आपको पता ही है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा कि वर्ष 1928 में लाहौर में सांडर्स की हत्या के कारण में इन्हें क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। किसको? भगत सिंह को, राजगुरु को और किसको आपके? सुखदेव को। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषसिद्धि के भी विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम,
1935 का सरकार भारत सरकार अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या 1919 का भारत सरकार। अब देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर तो आया आप SSC 2000 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे चार क्वेश्चन, अब देखिए वर्ष जो आपका जो है यहाँ पर चार चीज़ें हैं ना, ये चारों में क्या किस वर्ष में क्या क्या था ये भी आपको यहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक, 1919 में रॉलेट अधिनियम, 35 में भारत सरकार, 1909 में आपका भारतीय परिषद अधिनियम और 1919 में आपका भारत सरकार अधिनियम। तो यहाँ पर आपके चारों क्वेश्चन क्या होंगे, यहाँ पे चार क्वेश्चन ही और एक जो पूछा गया, आपके पांच क्वेश्चन तैयार होंगे, देखिएगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, यहाँ पर जो मुकदमा और दो सिद्धि के विधि का विद्यान्यालय जो है प्राधिकार सरकार को कब दिया गया था, तो आपका सही उत्तर जाएगा क्या 1919 का क्या रॉलेट अधिनियम, आपका ए ऑप्शन जाएगा। ठीक, चलिए गांधी जी, गांधी इरविन समझौता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2000 में पूछा गया है SSC में। गांधी इरविन समझौता 15 मार्च 1931, एक क्वेश्चन तो यहीं से तैयार हो गया आपका। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है, जो गांधी इरविन समझौता है वो किससे संबंधित है, तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर जानते क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, किससे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे, कौन आपके स्वतंत्र भारत के कौन प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल जिसे बोलते हैं, स्वतंत्र भारत के पूछा। ठीक, हमेशा आता है लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, श्री गोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद। तो 18 आप सभी जानते हैं यहाँ पे कौन क्या है, श्री राजगोपालाचार्य कौन थे प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक, चलिए किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए क्या की गई संघीय संरचना प्रस्तुत की गई, वर्ष देखिए 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा फ्रेंड्स 1935 का क्या अधिनियम। ठीक, 1935 का अधिनियम। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, काकोरी ट्रेन डकैती कांड बहुत मशहूर कांड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काकोरी डकैती कांड जो ट्रेन में होता है उसके नायक कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर या बरकतुल्ला। तो कौन थे आपके, तो आपके कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल साहब। चलिए चलिए आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन डायरेचरी धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे, कौन थे फ्रेंड्स, मिंटो थे, तेज बहादुर सुप्रू थे, जेम्स फोर्ड थे या माउंट एटियो थे। तो कौन थे आपके, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे, तो यहाँ पर कौन थे आपके, जेम्स फोर्ड। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया, कौन थे वो, चलिए ये पूछा गया है आपसे, किसने राजी करा, तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, वल्लभ भाई पटेल जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने, क्या किया, मोहम्मद वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछा भी जा चुका है 2016 में, देखिएगा 20 सितंबर 1932 किस, क्या 20 सितंबर, यरवदा जेल में महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन, कौन सा अनशन, आमरण अनशन, अब देखिए किसके विरोध में किया आमरण अनशन जो है, अब देखिए कि पहले क्वेश्चन गांधी जी ने किया, एक पहला प्रश्न यहाँ से तैयार हुआ, दूसरा है कि किस तारीख और किस सन में किया, एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हुआ, दो क्वेश्चन तो आपके यहाँ से तैयार हो गए। आमरण अनशन 1932 में महात्मा गांधी ने क्या किया, यरवदा जेल में किस जेल में दिया था, यरवदा जेल में। तो जब ये गांधी युग चल ही रहा है, पूरा प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, यहाँ से तीन क्वेश्चन तैयार हुए, आमरण आंदोलन गांधी जी के द्वारा, ठीक, यरवदा जेल में और 20 सितंबर 1932 में। ठीक, तो तीन क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हुए, तो देखिएगा इसका सही उत्तर क्या जाएगा आपका, किसके लिए,
रैमसे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचांड कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध में। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।